भूख लगी? ऑनलाइन महंगा ऑर्डर देके परेशान हो? तो आ जाओ फूड टैंगो पे, जहां से आप मुमरा के सारे रेस्टोरेंट, सारे ढाबे, सबकी फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वो भी औरों से सस्ते प्राइस में। वाओ! सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे फ्री होम डिलीवरी, शॉपिंग कूपन, आपको और आपके फैमिली को वाटर पार्क जाने का मौका और ढेर सारे ऑफर्स। क्या बात है! तो आज ही प्ले स्टोर से फूड टैंगो ऐप डाउनलोड करें, ऑर्डर दे, अपनी टाइम और पैसा दोनों बचाए। ऑर्डर एट फूड टैंगो नाउ। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। चैन स्नेचिंग के मामले में पुलिस ने 250 सीसीटीवी कैमरे थाने से लेकर नासिक तक खंगाले हैं। तब जाकर ईरानी स्नेचर को कलवा पुलिस ने शाहपुर से गिरफ्तार किया है। दरअसल दिवाली के मौके पर सुबह 8 बजे के आसपास सोने की चैन स्नेचिंग करके भाग रहा आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस ने मोहम्मद उर्फ सलमान करीब शाह सैयद उर्फ जाफरी 20 साल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि सोने के गहने इसने शब्बीर नियामत खान को दिए हैं। कलवा पुलिस ने शब्बीर को इगतपुरी से उसके घर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपियों के पास से 5,70,000 रुपये की चैन और 2 पहिया वाहन भी जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि ये लोग कलवा, वर्तक नगर, कासरवडोली, थाने के अन्य इलाकों में चैन स्नेचिंग की घटना को अंजाम देते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी गावड़े ने इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है, आपको सुना दी। 8 नवंबर 2023 को सुबह 8:20 पर एक 65 वर्षीय महिला का, सीनियर सिटीजन महिला के गले में से मोटरसाइकिल पर आकर एक आरोपी ने चेन स्नैच करके वो भाग गया था। सीनियर सिटीजन की कंप्लेन है, वो ध्यान में रखकर सीनियर पीआई और उनकी डिटेक्शन टीम ने बहुत अच्छा प्लानिंग करके एफर्ट्स लेके वो गुनाह डिटेक्ट करने के लिए टीमें रवाना की। पीएसआई दुबे इनकी डिटेक्शन की टीम ने जो घटनास्थल है, घटनास्थल से 80 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग सीसीटीवी कैमरास चेक किए, उसमें पारसिक नगर, खरेगांव टोल नाका, कल्याण फाटा, वड़पे, पड़घा, वाशिम, शाहपुर, खरडी, कसारा, यहाँ तक के रोड पर जितने सीसीटीवी कैमरास है होटल पर वो चेक किए, ह्यूमन इंटेलिजेंस चेक किया, उनके कुछ इन्फॉर्मर्स है उनसे जानकारी ली, लोकल रेसिडेंट्स है उनको पूछताछ की, उसके बाद उनको आरोपी के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने 21/11/2023 को यानी 12 दिन तक वो सर्च करके 12 दिन बाद आरोपी मोहम्मद उर्फ सलमान करीब शाह सैयद उर्फ जाफरी 28 साल का आरोपी है, इसको खरडी तालुका शाहपुर यहाँ से अरेस्ट किया, उसको इंट्रोगेट किया। उसने क्राइम करते समय चुराई हुई चेन आरोपी शब्बीर नियामत खान 52 वर्ष उम्र का आरोपी है इसको दी, ये बताया, उसको भी अरेस्ट किया। ये दोनों आरोपियों को इंट्रोगेट किया, इंट्रोगेशन में जानकारी मिली आरोपी ने अब तक ये तो गुनाह किया ही, इसके साथ में कलवा पुलिस स्टेशन के टोटल 2 रॉबरी की है, वर्तक नगर की 3 रॉबरी और कासरवडोली की 1 रॉबरी उसने की है। इसके बारे में उसने कन्फेशन दिया है और उसमें प्रॉपर्टी भी जब्त की है। टोटल 70 ग्राम के प्रॉपर्टी सोना और 1.5 लाख की पल्सर मोटरसाइकिल इसमें बरामद की है। जो मोटरसाइकिल गुनाह करते समय उसने नंबर प्लेट नहीं लगाई थी और आरोपी ने हेलमेट भी पहना था, फिर भी आरोपी को अरेस्ट करके ये प्रॉपर्टी हमने सीज की है। ये आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया, आरोपी नंबर 1 मोहम्मद उर्फ सलमान उर्फ जाफरी, इस पर टोटल 14 ऑफेंसेस दाखिल है, ज़्यादातर ऑफेंसेस रॉबरी और चोरी के। आरोपी नंबर 2 शब्बीर नियामत खान, इसके ऊपर 1 मर्डर का गुनाह दाखिल है इगतपुरी पुलिस स्टेशन का। तो ये आरोपी अभी पुलिस कस्टडी में, उन और भी इन्वेस्टिगेशन शुरू है, ये आरोपियों के ऊपर स्ट्रिक्ट प्रिवेंटिव एक्शन की जाएगी। इनका जो पहले जितने गुनाह है उनमें उनकी बेल कैंसिल करने के लिए हमारी तरफ से कंसर्न कोर्ट को करस्पॉन्डेंस किया जाएगा। सर, गिरफ्तार हुए आरोपी का मोडस ऑपरेंडी किस तरीके से और ऐसे अनेक गुनाह इनके ऊपर है, तो क्या आपके माध्यम से लोगों को क्या बनेगा कि जिस तरीके से गोल्ड जो पहनते लोग
उनको किस तरीके से पहनना चाहिए, किस तरह सावधानी बरतनी चाहिए। आरोपी मोहम्मद उर्फ सलमान उर्फ जाफरी ये अकेला मोटरसाइकिल पे जाके महिला के गले में से चेन स्नैच करके भाग जाता है। ये ऐसे ऑफेंसेस प्रिवेंट करने के लिए सभी को यही सूचना है कि बाहर जाते समय ज़्यादा कीमती जेवर गले में ना रखें, अगर रखने भी है तो हमने खबरदारी या एक गले में स्कार्फ रखना या गले में कोई रुमाल रखना ये या वो हाइड करके रखना ऐसे किया तो फिर वो चेन स्नैचिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। शहर भर के जितने भी इलाके में जो सीसीटीवी फुटेज मामले अक्सर देखा गया कि बंद है, जिसके चलते आरोपियों को गिरफ्तार करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आपके माध्यम से थाने महानगर पालिका या सीपी कार्यालय उनके तरह से कोई सीसीटीवी फुटेज हॉटस्पॉट जोन वहाँ पे बिठाने की मांग की जाएगी। राइट, ये इसमें दो बातें हैं। नंबर एक, जो सीसीटीवी है एग्जिस्टिंग सीसीटीवी चालू रखने के लिए, और हम भी हमारी तरफ से चेक करते हैं कहीं पर अगर सीसीटीवी कैमरा बंद है तो वो शुरू करने के लिए, और कुछ जगहों पे जहाँ पे सीसीटीवी बिठाना जरूरी है उसके लिए हमारी तरफ से महानगर पालिका को कम्युनिकेशन किया गया है। इसके साथ ही जो व्यापारी है उनको भी इम्पोर्टेंट लोकेशंस पे सीसीटीवी बिठाने के लिए हमारी तरफ से आह्वान किया गया है।